अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा छोरा है जरमान, ये उसकी लगाई। जा बच्चों, जाके सरकार बीबी की दुआ लो। जा जरमान, बहुत है भी जा। यो शहजाद, हसरत का छोरा है जुगनी से। तो बड़ी माँ, थारी सरकार बीबी घूंघट की आड़ में मारे पर नजर टिका के बैठे है। जरा पूछ ले हो कि नजर टिका रही है या फिर ये कोई शर्म है कि कोड़ा? जब पहली बार मैंने तारे को देखा था, तारी नजर मारे सामने उठे कौन और आज है कि चुके कौन? ऐसा क्यों है इतने सालों? तें जवान हो गया है। यो, कि मारे पे दिल आ गया थारा के, हैं? ऐसे ना देखो, कि मारा दिल आ गया थारे पे तो माफ करना, मजाक क्या है थोड़ा। ये हमारा छोरा आज ही वापस आया है। मैंने सोचा माल में जाने से पहले तारी दुआ लेता जाए। रब करे किसी मैदान में करे हार ना हो गए तारी। आमीन। जा शहजाद, ते भी जाके दुआ ले ले सरकार बीबी की। ना बड़ी अम्मा, मारे लिए मारी माँ की दुआएं काफी। जिद्दी है अपने बाप की तरह। मेरे इजाजत दो, इनका दाद सही इंतजार कर रहे, पहले ही देर हो गई है काफी, फिर बोलेगा। मैंने अपनी दुआओं में याद रखियो। चलो बच्चों। आजा आजा, तीन दिन से इंतजार में बैठा दिया। हाँ, माफी चाहे। जा गले लग अपने दादे से। चला दर्द हो गए, बुड्ढा जो हो गया हूं ना। यो देखो, तारे पोते की लुगाई है। माशाल्लाह, पढ़ते पढ़ते दोनों ऐसे कर बैठे ब्याह कर लिया। इसका मतलब है जो अपने बाप पे क्या है आशिक मिजाज। जा प्यार ले अपने दादा साईं का। जित्ती रह, जित्ती रह। प्यार के साथ साथ दुआ भी दीजियो दादा साईं, जो माँ बनने वाली है। क्यों तो तने बड़ी खुशी की खबर सुना दी। जिंदी रह।
जिंदी रह। आराम कर ले वे, फिर बात करते। आजा सरमान बेटे, आजा। हाँ हाँ, जा। चलो बेटे। के रोटी शोटी खाई कोड़ा? मारे बच्चे, चुकिया चुकड़ी तारी बाणो तेरे कोक के जने से मिलकर आई है, अपने बाप पे गए हो चुकड़ी। तारे डर ने मारे दिल के अंदर घर कर लिया। शकल के साथ साथ अगर अकल भी उसकी बाप जैसी हुई थी मैं के करांगी, कैसे इंसाफ दिलावांगी। अरे मानू कहा करेगी, जिंदा रह। शहर में क्या मसला था थारा जो तुमने रुकना पड़ गयो? जी जी दाद साई, सब ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा निबेड़ लिया है, बाकी निबेड़ लूंगा। पढ़ाई पढ़ाई में कोई गड़बड़ तो कोना कर दी? कोना गार्ड बता रहा था मन्ने के थारी तबीयत कुछ खराब है, चोट छोट पे लगी है, था कोई अस्पताल? ऐसा ही बस थोड़ी सी चोट, ठीक हो गई अब ता। ससुर ने सारी कहानी कोना सुना दी? कुछ क्या तन्ने? जब तन्ने कुछ पूछा ही नहीं तो मन्ने के क्या? हाँ, पूछने से याद आया, जाने से पहले थारे से मैंने सवाल किया था। हर सवाल का जवाब कोना हुए शहजाद? जो सवाल का जवाब कोना होए, सवाल पे भी सवाल होए दाद साईं। तो जान के क्या करेगा? हिस्ट्री तो मालूम होनी चाहिए ना मन्ने, हिस्ट्री बोले तो कहानी। हाँ, जिंदो की कहानी भी बस सुनी सुनाई है। यो बता दो, जिंदा है ना जिंदो? हाँ। मिलेगी कहाँ? क्या हुआ जिंदो? क्या पानी लेकर आ? शानू, जुगनी की ढेरी पे गई थी, वहीं तबीयत खराब हो गई। क्यों? लाना तय मिलके के करेगा? अरे मारी मासी है, मिलना तो बनता है। ऊपर से सुना है मैंने के बड़ी डाडी है, थारे से भी टक्कर ली थी सुने है। ढूंढना पड़ेगा, मफरूर है ना, या फिर सरकार बीबी से दुआ करानी पड़ेगा। क्यों? मारी माँ मारे लिए दुआ करके कौन आ गई? जे सरकार बीबी से दुआ करानी पड़े। 41 दिन रहा है अपनी माँ की गोद में, बस। बस
क्या हो गया तन्ने जिंदो? आसी बेटी, मैंने एक डर न डराना शुरू कर दिए। कैसा डर? जमीन अपने बाप की शक्ल लेकर आ गया, से नफरत प्यार आ। यू तो रब की मर्जी है ना। बेशक ये उससे भी निकल, दुआ कर दो कि अल्लाह मन ने किसी इम्तिहान में ना डाल। काम की जान लड़ रही हूँ, तुम्हारी जुगनी के छोरे का नाम ना। थोड़ा दही डाल ले, मिर्ची है बिरयानी। ए बहू, थारा छोरा थे बड़ा तेज निकला बहू, हर काम मुकम्मल करके वापस आ गयो। गुट्टी किसकी है? शहजाद ये जो अपना काम कोना करके आया, आपको ही करने पड़े सारे। हाँ भाई, अब यो फर्ज भी निभाना पड़ेगा। मने लागे यो भी अपने बाप की तरह एक कोटे से कोना टिके। क्यों शहजाद? मेरे बारे में बात हो रही है क्या? ले कर लो बात, हर वक्त फोन में ही लगा रहते हैं। अब दाद साई वो दोस्त है, बस वो तंग कर रहा है। हाँ भाई जरमान, तैं कद खुशखबरी सुना रहा मन्ने। जल्द आ साई, बहुत मन्ना थे मारी झोली में मारा पड़ पोता ही चाहिए बस। लेकिन दासाई जरूरी तो नहीं है कि लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती। ना मले महल से डोली टुरनी कोना ले आनी है, तले बताया कोना बहू? वक्त कोना मिला, मौका मिलेगा तो बात करूंगी। वक्त निकाल के बता दे, ये वक्त गुजर गया ना तो वो भी बता देना कि फिर क्या होगा। दाद साई की बद्दुआ लगेगी तने। मुंह ठीक कर लो ना यार। सलमान ये क्या बात हुई, बेटी नहीं हो सकती, बेटा ही हो बस। ये रिवाजी बातें हैं पप्पी जी, रिवाज पे अमल करें, ताराज करें ना। लेकिन अगर मेरी बातों में इसी तरह से हर कोई इन्वॉल्व होता रहा तो मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। बगावत करते हैं? बगावत नहीं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ूंगा जरूर। चल तन्ने एक स्टोरी सुनाता हूं मारे चाचे की, उसने भी थोड़ी सी बगावत करने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ? होना के है पापी जी, उस दुनिया में कौन आ रहा? ओह माय गॉड, ये किन लोगों में ले आए तुम मुझे? ना यहाँ पर तुम क्यों परेशान हो रही? देखो वो क्या कह रहा है। पापी जी, मारे दाद साई से जो टकरा है वो तो बस। हाँ एक औरत है जो मारे दाद साई से बिल्कुल ना घबराए, मारी मासी जिंदो। चाय पियो। सलमान ये क्या है? कुछ नहीं पागल आदमी है, ध्यान मत दो। क्या बोल रहा था? चाय पियो तो छोड़। ये इतना क्यों सोचे? एक ही दिन में देख के हाल बना लिया तने अपना। ते परेशान ना हो छानो, बस यो जो मारी खांसी है ना यो बस एक दो दिन में चली जावे। ले पुप्पो यो पी। ये
मारे से एक वादा कर जिंदो। कैसा वादा? यो बेटी मारी, यो बात किसी ने को ना बता। क्या बात है पप्पू, आज बड़े गौर से देख रही है मन्ने। तने देखी आज बिछड़े की घड़ी याद आ गई। जो बिछड़े गए होने की तो कहानी याद रहे। ले इधर रुक जावेगा फोन। तन्ने बड़ा ख्याल है मारा। तन्ने अच्छा कौन लागे? अच्छा तो वो ना लगे। देख फकीरा, मारे दिल के टोटे करने का तन्ने हक कौन? अच्छा तो फिर मन्ने आज यो बता दे कि मारा हक कितना है। सच पूछा था सिर्फ था रहे आके फकीरे। यो कहानी थारी दादी के मरने पर खत्म करना हो गए। इन महिला की कहानी वही रहे, कहानी सुनाने वाले बदल जाओगे। और दूसरी बार ये जुल्म कब हुआ? जब हमारी सौतन थारी बड़ी माँ की गोद भरी। थारी दादी की कहानी मैंने अपनी जबानी सुनी और थारी बड़ी माँ पे जुल्म मैंने अपनी आंख से देखा। मर्द अपनी लुगाई पे जुल्म जुल्म। ओ माय गॉड ज़रमान, कैसे लोग हैं ये, मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना। हाँ वो तुम ही होगे जो अपने रस्म और रिवाज को पूरा करोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। मॉम, इतना सब कुछ हो रहा होता है, पुलिस में कोई क्यों रिपोर्ट नहीं करता, उनसे कोई हेल्प क्यों नहीं लेता? कानून में जो भी इनसे टक्कर ले वे उसकी बदली करवा दे या फिर उसको मार दे। दासाई, बार वो पुलिस आई दासाई। तते घबरा क्यों रहा है, पहला कदी नहीं आई के? आई तो है दासाई, लेकिन इस बार पुलिस भी ज्यादा और गाड़ियां भी। सजात कहाँ है? तो कमरे में अपने दासाई। वो तय था कोई बयानबाजी नहीं कराया बाहर? नहीं दासाई। सजात ने तो कोई काम नहीं दिखा दियो। ठहरते जा। क्या बात है, मन्ने तो खैर ना लगे। इस वक्त पुलिस की गड्डी कौन आवे? क्या हो सके? यो तो अब बिंदी बतावेगी कोर्ट से वापस आकर। तेशानों ने भेज। हाँ मन्ने खैर कौन लगे। कैसे हैं दाद साई? हथकड़ी खोल दो इसकी और रिपोर्ट में लिखना कि जब रेड की तो दाद साई घर पे नहीं थे और उनका बेटा पुलिस को देख के भाग गया। जो के खेल खेल रहते हैं के खेल तो आप खेल रहे हैं, मेरी तो अभी बारी भी नहीं आई। हाँ फील्ड थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन जब कैच हाथ में आएगा तो अंपायर की उंगली उठेगी। दासाई हाल पूछे ने? हाँ मैं ठीक हूं। सुना है पिछले दिनों कुछ हादसा हो गया था आपके साथ, आप हॉस्पिटलाइज भी रहे। हाँ वो कोई
औरत भी थी आपके साथ। यो ससुरा मारी सारी कहानी चीड़ फाड़ के आवे, और कोई काम कौन है सुने। दासाई औरत का पूछे। औरत औरत हाँ वो अस्पताल में नर्स थी ना, दुल्हन के लिबास में। डरे नहीं दाद साई? डरना क्यों, यो बात तो अफ्रीका हो रही है ना मारी। जी बिल्कुल, बैठो। शुक्रिया। गुल्लू दास सही जा, शहजाद ने जाके खबर दे आईजी साहब आए हैं। जी दास सही। शहजाद ये नाम कुछ सुना सुना सा है, कौन है? मारा पड़पुत्ता हजरत का छोरा जुगुनी से। क्या गुल्लू? मैं आप ही की ओर आ रहा था, पुलिस आई है। कहानी आपके बेटे की खुदकुशी से शुरू हुई थी दाद साई, याद है ना आपको? थारा एक एक सवाल याद है मन्ने। जिंदो का भाई कत्ल हुआ है, मारा भी पोत मरो है, उसकी बहन और बहू भी कत्ल। ओ मारी भी बहू थी। मैंने मेडिकल रिपोर्ट चेक की है, फकीरे की बीवी को जो गोली लगी थी वो पिस्टल की थी, लेकिन बाकी दो लोगों को जो गोलियां लगी वो किसी और गन की। अच्छा, दोनों हादसों में 27 मिनट का फर्क था। मौत का वक्त था मुकर्रर है, किसी ने जल्दी आ जावे किसी ने देर में। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो तीनों को हसरत ने मारा, लेकिन पहले कत्ल के ठीक 3 मिनट के बाद हसरत की मौत हो गई। कहानी यहां आके थोड़ी उलझ जाती है दाद साई। हमने ता अपने पुत की लाश देखी और वो बयान सुना तो गोठालों ने सुनाया, मारा सपूत। सलाम कर, जो थारे मामा जी हैं। रिश्ते खूब याद रहते हैं आप। खैर ये बताइए जिंदो की क्या खबर है? सुना है काफी लोग कत्ल कर दिए उसने, पर कानून गिरफ्तार कौन कर सका उसने आज तक? कानून तो आज तक आपको भी गिरफ्तार ना कर सका दाद साई। हम तो खुली किताब की तरह बिखरे पड़े हैं, जितनी बार मर्जी पढ़ लो, जे जुर्म साबित हो जावे तातकड़ी लगा के ले जाओ। हर ताले की एक चाबी होती है दाद साई, और हथकड़ी का ताला तो एक फोन कॉल पे खुल जाता है, तो उसे लगाने का फायदा। मेरे ख्याल से अब हथकड़ी लगाने का वक्त गुजर चुका है, अब फैसला करने का वक्त है। कौन क्या फैसला करेगा ये वक्त पर छोड़ते हैं। भांजण है अपने सीने से कोना लगावे को। किसी दिन बिना वर्दी के आऊंगा फिर। मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, मगर मोहब्बत में गलत रास्ते ढूंढना जुर्म है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अंदर कर सकता हूं,
मगर मेरे ऐसा करने से तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। अगर वो लड़की तुम्हारी जरूरत नहीं, मोहब्बत है, तो उससे शादी कर लो, वरना उसके रास्ते से हट जाओ। अगर मुझे दोबारा तुम्हारी कंप्लेन मिली तो याद रखो, तुम्हारा दादा भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और हां, मैं सिर्फ एक बार समझाता हूं, चाहे वो पहली बार हो या आखिरी बार। शहजाद, ओ शहजाद, ओ शहजाद, तुमने क्या सोच रहा है? इतनी देर से आवाज दे रहा हूं तुमने? कुछ नहीं दाद सही, बस सोच रहा था ये वाकई मारा मामा। असल में कोणा, यो थारी माँ के बिया में बैठा था, मरने मामा बना दियो। मेरे ख्याल से मुझे देर हो गई, दुआ लेने आया था। थारे कानून के कुछ लोग पगड़ी पे हाथ रख के बैठे हैं, वोट जावे तुम्हारी दुआ ही दुआ है थारे वास्ते। मैंने हमेशा मजलूम की चादर पर हाथ रखा है। यो तो खैर है फिर थारे वास्ते। कुछ कत्ल हुए हैं, सब जिंदों का नाम दे रहे हैं। अब तक 5 FIR कट चुकी हैं उसके नाम। 5 के बाद गिनती खत्म हो जाती है के? नहीं होती ना खत्म, वो इस वास्ते कि जुल्म की गलती का हिसाब तो कभी किया ही नहीं तुम लोग का ने। कानून की नजर में वो मुजरिम है, मैं जानता हूं उसके साथ भी जुल्म हुआ है, इसीलिए उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूं। थारी कुर्सी के ऊपर भी कोई कुर्सी है के? हाँ है। फिर ते इंसाफ की बात ना कर, जिवे तू मुजरिम कहवे वो मजलूम जालिम के सामने ढाल बनकर खड़ी है। क्यारी में लगी बूटी देख रहा है, कोमड़ खिले और फूल कोना निकले। बस जिस दिन फूल खिल गए समझ अमर हो जावेगी। आप शायद मेरी बात समझी नहीं, मैं जिंदों की बात कर रहा हूँ। मैंने भी जवाब में जिंदों की ये बात की है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक दिन दास साहिब आया था मैं मिलने की दुआ कराने। सुना मुलाकात हो गई दोनों की, तो बात के हुई यो पता कौन? क्या मैं आपकी शक्ल देख सकता हूँ? के करेगा मारी शक्ल देख के? एक शक है, दूर करना चाहे शकने ले कर ले दूर। अब यो ना कह दियो कि थारी शकल कहीं देखी बाड़ी लग रही। I'm sorry, किसी ने गलत कहानी सुना दी थी। इजाजत चाहो, अल्लाह हाफिज।
मन्ने ता लागे कि यो दाद साई ने केड़ निकाली है। यो तो शुकड़ है महल की तरफ जाते पुलिस ने देख ली मन्ने, तभी ता मासी कौन बैठी तखत पर। यो अफसर सही है, यो ही था जिसने मारी जुगने के सर पे हाथ रखा था। पर इंसाफ ता कौन किया ना? इंसाफ होने से पहले दाद साई ने उसकी बदली करवा दी थी। अब ये वापस आ गया तुम्हारे लिए तो मुश्किल होगी, लेकिन महल वाले भी कोना बच सकेंगे। तुम यहां क्या कर रही आई हो? तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आई हूं। क्यों? तुम मना क्या नहीं यहाँ पे आने से? तुम ये सब कुछ क्यों छुपा रहे हो? जायज औलाद है तुम्हारी, निकाह किया तुमने मुझसे। अरे क्या निकाह, तुम्हें हासिल करने के लिए कलमा क्या पढ़ लिया? तुम तो वाकई में अपने आप को बीवी समझने लगी हो। भाओ यहाँ से। क्यों? तुम ऐसे नहीं मानोगे? तुम्हारी मानिए तो आज इस हाल तक पहुंची हूँ, अब नहीं मानूंगी। मर जाऊंगी लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी। चलो फिर तुम्हारी मरने की ख्वाहिश पूरी करता। क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। रुक, कौन है? बड़ी मां, यो दोस्त है ना तारी, यो फोन करती थी। हाँ, डरता था थे, यो वही है। बात को ना आ रही थी बड़ी अम्मा, बस दो बोल पढ़ लिए, अपने आप को बीवी समझ बैठी है, सर पे चढ़ के नाच रही है। ब्याह कर बैठे है ना, सुन लिया मैंने, छोड़ दे इसने। बड़ी अम्मा तय तो जाने, एक बार जो मैं ठान लू तो उसका मतलब मैं ठान ली। बेहतर है तैं इस मामले में ना ही पढ़, जा। शहजाद, मॉम ने कहा ना कि इसे छोड़ दो, तो इसे छोड़ दो। तैं मारे से एक घंटा पड़ा है, मारा बाप ना बन। बाप को ना तुमने देखा था और ना ही मैंने, लेकिन इस हवेली में हुक्म कैसे मनवाया जाता है ये मैं भी जानता हूं और तुम भी। तैं मारे पे हुक्म चलाएगा हैं? हुक्म चल ही मेरा रहा है, बस अमल करवाने की देर है। ये अमल कराएगा मारे से अब? हाँ। मॉम आप इसे लेकर जाइए। चल सॉरी। ये खिला दियो तुमने। आराम से। यो छोड़ी कौन है बहू? मारी माल की बहू से मिलो। क्या? यो शहजाद की लुगाई ने पढ़ाई में भाग गई थी, फसाने की कोशिश की थे, जब फंस गई तो चार दोस्तों में बिठा के निकाह कर लिया, इब जान छुड़ाना चाहता है। मन भर गया होगा उसका। यो जब पहला मरने भा जावे तो उसके बगैर मरने को ना लागे, जब मिल जावे तो उसके साथ मरने को ना लागे।
मैदान वही है, खेल भी वही है, खेलने वाला बदल गया है ससुर जी। पुराना खेल खेले, सोचो यो छोरी अदालत में चली गई, कोई बयान दे बैठी तो क्या कर लोगे? नहीं नहीं ऐसा होएगा ही क्यों, ब्याह किया है तो मारे घर की इज्जत है यो, उससे ज्यादा छोरी सच कह रही है क्या? ये देखें, मेरे पास निका नामा भी है, ये देखें। दास ही हो? ओ इसने अपने पास ही रख। अब तो मैं इसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तेरे की तेज जी की तो हद कर दी दोनों ने, तुमने सही कहा है बहू, मैं दाना वही है बस खिलाड़ी बदल गया है, और ये खिलाड़ी तो कुछ ज्यादा ही तेज है। अब तो दो तरफा खुशी हो गई दासाई। हाँ खुशी खुशी मनावेंगे, ब्याह की रसम तो महल में कोना हो सके, गोद भराई की रसम ही करने में। तो गुल्लू दासाई, गोद भराई की रसम में खास मेहमाना ने बुलाना है। जी सही। जा इसने कमरे में ले जा। चल छोरी तड़े मेल दिखाऊं। बोल सखी क्योंकि मैं ग्रीन हूं।